बांसवाड़ा के त्रिपुर्ति नगर में चोर धमाल करते नजर आए। यहां आती है चड्डी बनियान गैंग, हाथों में हथियार लेकर ये चड्डी बनियान धारी सीसीटीवी में कैद हो गए। लोग भी कहां कम थे, देर रात चोरों ने लोगों की खूब दौड़ कराई। पहले तो चोर छिपते फिरे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला लोगों ने चोरों को दौड़ा लिया। यह मशक्कत रात को करीब एक घंटे तक चली। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी। लोगों के साथ पुलिस ने भी चोरों के लिए घेराबंदी की, लेकिन नर्सरी परिसर में घुसे चोर आंखों के सामने से ओझल होने में कामयाब हो गए। सुने इलाके की ओर वो निकल गए। कुछ लोगों ने बताया कि एक चोर पकड़ा भी गया है, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। दरअसल रात 1:30 बजे चोर चड्डी बनियान में घूमते दिखाई दिए। त्रिपुर्ति नगर सोसाइटी के किसी सदस्य की इन चोरों पर नजर पड़ गई और इसके बाद सोसाइटी के लोग एक दूसरे को फोन करके वहां इकट्ठे हो गए। करीब 8 लोगों ने चोरों को ललकारा और इसके बाद चोर जान बचाकर भाग निकले। गलियों में होते हुए चोर काफी दूर भागे और इसके बाद उदयपुर मुख्य मार्ग पर चोर एक नर्सरी में आकर घुस गए। तभी लोगों की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। घेराबंदी कर पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया है। इधर कोतवाली थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि रात में चोर आने की सूचना उन्हें भी मिली थी। रात में पुलिस स्टाफ भी मौके पर भेजा था। बता दें कि त्रिपुर्ति नगर उदयपुर रोड पर कागदी नाले के किनारे बसा हुआ है। नाले के किनारे से चोरों को आने जाने में पर्याप्त माहौल मिल जाता है। चोरों के कॉलोनी में दाखिल होने की वारदात सीसीटीवी में भी दर्ज हो चुकी थी। फुटेज में ये चोर चड्डी बनियान में हथियारों के साथ वारदात को अंजाम देने जाते दिख रहे हैं और इस तरह की घटना के बाद से यहां सोसाइटी में लोग चोरों को लेकर अब सजग रहने लगे हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।